वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल मैच जो खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम में। क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11, क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम रहने वाली है और क्या रहेगी मेरी मैच प्रेडिक्शन इस मैच की, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। तो बात करते हैं वेन्यू की। सो वेन्यू होने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम। इस सीजन दबा के रन बने, मतलब यहाँ आप कह सकते हो इस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग जो ग्राउंड है वो रहा है अरुण जेटली स्टेडियम। यहाँ पर जो 88 मुकाबले खेले गए हैं उसमें से चेजिंग टीम ने 46 मुकाबले जीते हैं और जो एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर रहा है वो 175 का यहाँ पर रहा है। लेकिन इस सीज़न तो बहुत ही हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। अगर आप देखें रीसेंट मैचेस भी, तो यहाँ पर दिल्ली ने बनाए थे 221 रन, यहाँ पर दिल्ली ने 257 और दिल्ली ने 224। और इन मुकाबलों में जो विकेट्स निकाले हैं पेसर्स ने 27 विकेट निकाले हैं और 13 विकेट्स जो हैं स्पिनर्स ने निकाले हैं। तो एक्सपेक्ट करिएगा कि 200 प्लस का मुकाबला आपको यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकता है। बात करें अगर हम हेड टू हेड की, तो यहाँ पर दिल्ली ने एक मुकाबला जीता है और 3 मुकाबले जीते हैं यहाँ पर लखनऊ ने। अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फैंटेसी फॉर्च्यून के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसी के थ्रू जुड़िएगा। सर्च करके मत जुड़ना कि फेक चैनल्स काफ़ी सारे हमारे नाम के। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। सो ऋषभ पंत का एक मैच का बैन था वो हट जाएगा, तो ये वाला मुकाबला आपको खेलते हुए नजर आएंगे। सो यहाँ पर जेक फ्रेजर मैगर को ओपन कर सकते हैं, डेविड वार्नर के साथ अभिषेक पोरल हैं, ऋषभ पंत, शाई होप, अक्षर पटेल आपको खेलते हुए नजर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर स्टब्स हैं कुलदीप यादव, असलाम, यहाँ पर खलील अहमद, ईशांत और मुकेश कुमार आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें लखनऊ की तरफ से, सो लखनऊ की टीम में काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है आफ्टर संजीव गोयनका ने, जो टीम ओनर है उन्होंने केएल राहुल को बहुत खरी खरी सुनाई थी लास्ट मैच में। सो अभी तो मुझे लगता है चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ से केएल राहुल ओपन करेंगे डीकॉक के साथ, मार्कस स्टॉइनिस हैं, दीपक हुड्डा हैं, निकोलस पुरन है, बर्दोनी आपको खेलते हुए नजर आ जाते हैं। यहाँ पर कृणाल पांड्या, गौतम की जगह अगर मोहसिन खान फिट हो जाते हैं सो मोहसिन खान मैच खेल सकते हैं, रवि बिश्नोई, नवीन, यश ठाकुर और युद्धवीर सिंह आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर अगर मोहसिन फिट होते हैं तो वो या तो गौतम या फिर युद्धवीर की जगह खेल सकते हैं इस मुकाबले में। बात करते हैं पॉइंट टेबल की। तो यहाँ पर एक टीम जो क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुकी है वो है कोलकाता। चांसेस है कि यहाँ पर राजस्थान भी क्वालिफाई कर जाएगी और यहाँ पर सनराइजर्स के भी 2 मुकाबले अभी बचे हुए हैं, तो अगर एक भी जीत जाती है तो मुझे लगता है डिसेंट होगा, क्वालिफाई कर जाएगी। फिर यहाँ पर बचती हैं कुछ टीमें, चेन्नई बच गई, यहाँ पर RCB हो गई, दिल्ली हो गई और लखनऊ हो गई, ठीक है ना। तो अब ये 4 में से शायद कोई एक जाएगा आगे, तो ये वाला मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर यहाँ पर दिल्ली ये वाला मुकाबला विन कर जाती है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर दिल्ली ये वाला मुकाबला विन करती है तो उस केस में क्या होगा, 13 है तो यहाँ पर इनके 14 पॉइंट हो जाएंगे, इनका आखिरी मैच है दिल्ली का, ठीक है ना। तो उस केस में ये बनी रहेगी, लेकिन अगर ये मैच हार गई तो दिल्ली हो जाएगी बाहर। लेकिन अगर यहाँ पर सनराइजर्स मैच विन करती है तो सनराइजर्स के 14 पॉइंट हो जाएंगे, और अगर दोनों मुकाबले सनराइजर्स ने, यहाँ पर सनराइज कह रहा हूँ, लखनऊ ने अगर दोनों मुकाबले जीत लिए अपने, फिर RCB बाहर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाला मुकाबला दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दिल्ली ये वाला मैच जीतती है तो बनी रहेगी, फिर भी मुश्किल है उनका, बट फिर भी मैथमेटिकली बनी रहेगी। और अगर यहाँ पर लखनऊ जीतते हैं तो उनके चांसेस बन जाएंगे और ज़्यादा प्लेऑफ में क्वालिफाई करने। विजन 11 ऐप की, सो अगर आपका विजन 11 ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि अभी आपको मिल रहा है 100 रुपये का रियल कैश डाउनलोड करने पे। ये रियल कैश है, ये बोनस नहीं है, इससे आप खेल सकते हो और खेलने के बाद विन करने के बाद इंस्टेंट विड्रॉ भी कर सकते हो। 74 फैंटेसी आपको मिल जाती है, यहाँ पर आपको डेली फ्री गिव अवे मिल ही रहे हैं, डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं, तो काफ़ी फायदा होगा। सो आपके पास विजन 11 ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉर्चून रेफर कोड है FORTUNE, उसके थ्रू डाउनलोड करते हो तो 100 रुपये का आपको रियल कैश मिल जाएगा। अगर हम बात करें दोनों टीम्स की, तो यहाँ पर दिल्ली की तरफ से जेक फ्रेजर मैगर को ओपन करने वाले हैं डेविड वार्नर के साथ। बात करते हैं जेक फ्रेजर मैगर की। सो लास्ट टाइम जब हेड टू हेड मुकाबला हुआ था तो एक मैच में इन्होंने 55 रन बनाए थे और इस वेन्यू पे 4 मैच में शानदार नंबर है, तो एक इंपॉर्टेंट चॉइस रहेगी। लास्ट मैच में रनआउट हो गए थे, लेकिन बहुत फॉर्म अच्छी चल रही है और एक कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस बन जाती है, क्योंकि दिल्ली का विकेट इन्हें सूट करता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करें डेविड वार्नर, फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है, अगर आप देखें लास्ट मैच ऐसा सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी खेले थे और इतना कुछ खास किया नहीं था, और यहाँ पर 4 मैच में 71 रन है, हेड टू हेड में 36 मैच में अच्छे नंबर हैं इस वेन्यू पे, लेकिन
उतने इफेक्टिव नज़र नहीं आए, बट स्टिल एक अच्छी पिक आपके लिए स्मॉल लीग में बन सकती है, क्योंकि इनका सिलेक्शन कम है और प्लेयर बड़ा है। मेरे हिसाब से इन्हें एज अ इम्पैक्ट प्लेयर नहीं खिलाना चाहिए, फील्ड पे होंगे तभी ज़्यादा बेटर इनकी परफॉर्मेंस आ पाएगी। तो मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में एक अच्छी पिक बन सकती है, आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है, क्योंकि काफ़ी कम लोग इन्हें ट्राई करेंगे, स्पेशली लास्ट मैच की फेलियर के बाद। लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मुकाबले में, ग्रैंड लीग में कैप्टन ज़रूर ट्राई आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे वन डाउन, अभिषेक पोरेल आ सकते हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, प्लस लास्ट मैच में इन्होंने विकेट कीपिंग करी थी, इस मैच में नहीं करेंगे तो क्योंकि अब ऋषभ पंत आ गए हैं, पिछले में दो उससे पहले 65 रन करे हैं, तो ये खिलाड़ी आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, कंसीडर आप इन्हें कर सकते हैं स्मॉल लीग में। जो इंपॉर्टेंट रहेगा कल के मैच में वो रहेगा ऋषभ पंत, 15, 27, 29, 28, 44 और 3 मैच में 124 रन है, इस वेन्यू पे भी अच्छे नंबर हैं इनके, और बैटिंग फर्स्ट करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन का विकल्प अच्छा बनेंगे, क्योंकि कम बैक कर रहे हैं, दिल्ली के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की एक शानदार चॉइस आपके लिए कल के मैच में ऋषभ पंत बन सकते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे शाय होप का ये सीज़न अच्छा नहीं रहा है, बट फिर भी टीम ने काफ़ी जो है इन पे इन्वेस्ट किया है, कि लगातार इनको मौके मिल रहे हैं। अब क्योंकि ऋषभ पंत आ गए हैं, सो चांसेस हैं कि शायद इनको वन डाउन ना खिलाया जाए, वन डाउन आपको अभिषेक पोरेल नज़र आए, अगर राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन चलाना चाहते हैं तो वन डाउन खेल सकते हैं, बट रिस्की रहेंगे क्योंकि फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है और वन डाउन की बैटिंग भी इनकी कन्फर्म नहीं रहने वाली है। अक्षर पटेल हैं, लास्ट मैच हमारा जैकपॉट मैच बनाया, कैप्टन थे हमारे, और यहाँ पर 57 रन की पारी खेली है, प्लस ये फील्डिंग से भी अच्छे पॉइंट्स देते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का इस मुकाबले में भी। फिर यहाँ पर आएंगे स्टब्स काफ़ी अनलकी रहे, इवन इनफैक्ट दिल्ली की टीम ही लास्ट मैच अनलकी रही, जो दो खिलाड़ी जिता सकते थे स्टब्स और जेक फ्रेजर मैकगर्क, दोनों ही रन आउट हुए लास्ट मैच में। सो बैटिंग फर्स्ट करते हुए खिलाड़ी अच्छा रहता है, 4 मैच में इस वेन्यू पे अच्छे नंबर हैं, हेड टू हेड में 1 मैच में 15 रन है, लेकिन अगर पहले बैटिंग आती है तो आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन चेजिंग में क्योंकि काफ़ी नीचे बैटिंग करते हैं तो चांसेस थोड़े कम रहते हैं, तो उस केस में आप इन्हें ड्रॉप करके चलिएगा। फिर यहाँ पर कुलदीप यादव आ जाते हैं, 4 मैच में 6 विकेट और 15 मैच में 16 विकेट, रीसेंट फॉर्म जो है ठीक है, विकेट्स निकाल रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच ये पिटाई काफ़ी हुई है, लेकिन अच्छी चीज़ क्या आती है, जब लास्ट टाइम इनका आपस में मैच हुआ था उस मैच में 3 विकेट निकाले थे कुलदीप यादव ने, तो एक इंपॉर्टेंट चॉइस बन जाती है आपके लिए स्मॉल लीग में। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो सलाम आ जाते हैं, हमारा ट्रम्प कार्ड साबित हुआ था लास्ट मैच में, डेविड वार्नर को ड्रॉप करके हर कोई डेविड वार्नर लेके आया था, बट मैंने सलाम लिया था, 2 विकेट निकाल के गया, रन भी बना के दिए, वेन्यू पे बहुत अच्छे नंबर हैं, और ये खिलाड़ी लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी कर लेता है, तो ये एक आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक साबित हो सकती है, स्पेशली अगर पहले बॉलिंग आती है तो। फिर यहाँ पर खलील हैं, खलील ने पिछले 2 मैच में 4 विकेट निकाले हैं, हेड टू हेड में भी 2 में 4 विकेट हैं, लेकिन वेन्यू पे 10 मैच में 7 विकेट हैं, तो पहले बॉलिंग करते हुए नंबर्स अच्छे हैं, इनके ओपनर्स को तंग कर सकते हैं, बट दिल्ली का विकेट जो है उतना फास्ट बॉलर को सूट अभी नहीं कर रहा है, इतनी स्विंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, तो मेरे हिसाब से इनसे बेटर कुलदीप यादव मुकेश रहने वाले हैं स्मॉल लीग में। फिर यहाँ पर आएंगे ईशांत शर्मा, भाई लास्ट मैच में मज़ा आया इनकी और विराट कोहली की जुगलबंदी देखने में, कमेंट करिएगा कभी इतना हंसी मजाक करते हुए आपने देखा है विराट कोहली को, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला, 14 मैच में 15 विकेट हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये पावर प्ले में ही बॉलिंग करते हैं, डेथ में इनका फिर यूज़ नहीं होता है, तो स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे। मुकेश कुमार इंपॉर्टेंट रहेंगे इस टीम से, 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, 2 मैच में 1 विकेट, 10 मैच में 12 विकेट, लगातार विकेट्स निकाल रहे हैं, तो एक मस्ट हैव पिक बन जाती है अगर पहले बॉलिंग आती है उस केस में। सेकंड इनिंग्स में एक बार को ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि ये विकेट्स एंड में निकालते हैं, ठीक है ना, तो पहले बॉलिंग करते हुए एक मस्ट हैव पिक जरूर रहने वाली है आपके लिए मुकेश कुमार। स्टार्टिंग ओवर खलील अहमद और ईशांत हो जाएंगे, डेथ की बात करें तो सलाम है और मुकेश कुमार है, वहीं अगर हम सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी शॉ आ जाते हैं, लिजार्ड विलियम्स हैं, कुशाग्र हैं, सुमित कुमार हैं, शायद ही कोई खेलेगा इनमें से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लखनऊ की, सो लखनऊ की तरफ से ओपन करेंगे केएल राहुल डीकॉक के साथ। सो लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए आपकी प्रिडिक्शन क्या है, कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सा प्लेयर्स हिट होगा, कौन सा फ्लॉप होगा, और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर केएल राहुल ओपन करेंगे डीकॉक के साथ, केएल राहुल की बताएं तो भाई 29, 25, 28, 76 फॉर्म ठीक है, अच्छी चल रही है फॉर्म, 14 मैच में 420 रन है, हेड टू हेड में 2 मैच में 35 रन है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो है वो माहौल जो चल रहा है, इनको काफ़ी सुनाई गई और अब ये भी बता रहे हैं कि अगर ये कप्तानी नहीं भी करते तो लखनऊ वालों को कोई दिक्कत नहीं है और पूरन कैप्टनशिप कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ चल रहा है अब ऐसे में, और इनके स्लो बैटिंग स्ट्राइक रेट पे हमेशा ही सवाल रहते हैं, तो यहाँ पर दूसरी टीम जो प्लेयर्स हैं बहुत तेज़ खेल रहे हैं, वहीं पर केएल राहुल थोड़ा आराम से खेलते हैं तो पॉइंट्स देते हैं, लेकिन हो सकता है कल के मैच में
थोड़ा तेज खेलने की कोशिश करें और विकेट जल्दी चला जाए, ये हो सकता है। बट क्योंकि विकेट कीपिंग करते हैं और अच्छी फॉर्म में है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस तो आपके लिए रहती है स्मॉल लीग में। फिर यहाँ पर आएंगे डीकॉक। डीकॉक की बात करें, 13 मैच में 373 रन, लेकिन इस वेन्यू पे देखो भाई 11 मैच में 300 रन है 42 के औसत से। रीसेंट फॉर्म 2-8-0 बिल्कुल बेकार, लेकिन इस वेन्यू पे अच्छा करते हैं। बैटिंग सरफेस आपको देखने को मिलता है, अच्छा कर सकते हैं। कल के मैच में आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक साबित हो सकती है ग्रैंड लीग में आपके लिए। इस खिलाड़ी को आप कैप्टन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं कल के मुकाबले में। फिर यहाँ पर आएंगे मार्कस स्टॉइनिस हैं, कृणाल पांड्या हैं। मार्कस स्टॉइनिस अच्छा कर रहे हैं, लास्ट मैच फ्लॉप हुए, बट उससे पहले 36-62 एक विकेट 124, और अच्छा प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन कर सकता है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बन सकते हैं। कृणाल की बात करें, कृणाल पांड्या तब यूज़ होते हैं अगर इनकी बैटिंग अच्छी आ जाए, और बैटिंग अगर इन्हें जल्दी विकेट्स गिरते हैं तो इन्हें प्रमोशन मिल सकता है। अदरवाइज 16 मैच में 10 विकेट हैं और 6 मैच में रन्स अच्छे हैं इनके, 165 रन हैं इस वेन्यू पे, लेकिन विकेट दो ही हैं। तो अगर आपको लगता है इनकी बैटिंग आ सकती है तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे। बात करते हैं यहाँ पर निकोलस पूरन की। लास्ट मैच 48 की है, उससे पहले 10-14-11 उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई कर सकते हो। 6 मैच में 160 रन है, चेजिंग के टाइम पे शायद उतना इफेक्टिव साबित ना हो। आयुष बदोनी जैसा मैंने कहा, 155 हर बार एक दो इनिंग्स में अच्छा कर जाते हैं, वहाँ पर इनके चांसेस और अच्छे हो जाते हैं कि अगले आईपीएल में भी इनको मौका मिल जाए। और लास्ट टाइम भी जब एलएसजी के अगेंस्ट यहाँ पर दिल्ली के अगेंस्ट मुकाबला हुआ था उसमें इन्होंने अच्छा किया था, तो ये ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में तो रिस्की रहेगा ये खिलाड़ी। बात करते हैं यहाँ पर दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा लास्ट मैच में काफ़ी नीचे बैटिंग कराई गई, तो मैं स्मॉल लीग में रिकमेंड नहीं करूंगा। बात करते हैं गौतम की। गौतम भी जो है रिस्की ही रहेंगे, क्योंकि उतना दिल्ली में उतने बॉलर्स के लिए कुछ है नहीं, बैटिंग काफ़ी ये नीचे करते हैं, खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे। स्मॉल लीग में जिस खिलाड़ी को कंसीडर कर सकते हो वो है रवि बिश्नोई। 7 मैच में 8 विकेट उन्होंने निकाले हुए हैं हेड टू हेड में, 0-1-1-0 इस सीज़न बहुत अच्छी फॉर्म नहीं रही है। रीज़न क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है बॉलिंग ऑप्शन, तो इनके 4 ओवर कन्फर्म नहीं रहते हैं, बट ये एक डिफरेंशियल पिक ज़रूर साबित आपके लिए हो सकती है। नवीन उलक लास्ट मैच 0-3-1-1-1-2 एक मैच में 1 विकेट है, डिफरेंशियल पिक ज़रूर बनेंगे, डेथ में बॉलिंग करा लेते हैं। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अगर पहले बॉलिंग आती है तो मेरी टीम में ज़रूर ये खिलाड़ी रहने वाला है। अगर बात करें यहाँ पर यश ठाकुर है, 1 मैच में 1 विकेट है, 0-1-1-1-1 तो लगभग हर मैच में 1 विकेट निकाल लेते हैं, बट पहले मैं नवीन को ट्राई करूँगा अगर पहले बॉलिंग आती है। फिर यहाँ पर आएंगे युद्धवीर है, अच्छा बॉलर है, 1 मैच में 1 विकेट है, 1-1-3 विकेट है इनके, तो ये खिलाड़ी डिफरेंशियल बन सकता है, क्योंकि लोअर ओवरों में चौके छक्के भी लगा के आपको दे सकता है, सो ग्रैंड लीग में आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग ओवर की बात करें, ट्रेंट बोल्ट हैं और संदीप शर्मा है। डेथ की यहाँ पर सॉरी इसमें एडिट करना नहीं लिखा है, तो यहाँ पर जो है डेथ में आपको ये गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर थोड़ी बहुत हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग ओवर में के गौतम आपको देखने को मिल सकते हैं अलॉन्ग विद यश ठाकुर, तो ये यहाँ लिखना था, और डेथ में आपको यश ठाकुर और नवीन उलक आपको बॉलिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। सब्स्टिट्यूट में अगर देखें मोहसिन खान एक अच्छी पिक बन सकती है, ये खेलते हैं तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई आप कर सकते हैं अपनी स्मॉल लीग टीम में, और किसी के खेलने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें प्लेयर बैटल की, सो केएल राहुल को यहाँ पर तंग किसने किया है, खलील ने एक बार आउट किया है 32 बॉलों के अंदर, कुलदीप यादव ने 20 बॉलों में 34 रन खाए हैं लेकिन 2 बार आउट किया है। वहीं अगर डीकॉक की बात करें 18 बॉलों में 31 रन बनाए हैं उन्होंने खलील अहमद के अगेंस्ट, बट 1 बार विकेट दिया है, और ईशांत शर्मा ने भी 1 बार उनका विकेट निकाला है 28 बॉल पर 42 रन देकर। बात करें यहाँ पर और प्लेयर बैटल की, सो यहाँ पर कुलदीप यादव ने मार्कस स्टॉइनिस को 1 बार आउट किया हुआ है 15 बॉलों के अंदर, और रन बहुत खाए हैं खलील ने निकोलस पूरन के अगेंस्ट लेकिन 2 बार उन्हें आउट किया हुआ है। नवीन उलक ने 1 बार आउट किया हुआ है जेक फ्रेजर मैगर को 5 बॉलों में 5 रन देकर, और यहाँ पर स्टॉइनिस ने शाय होप को 2 बार आउट किया हुआ है 5 बॉलों में 4 रन देकर। वहीं अगर हम बात करें और प्लेयर बैटल की, सो रवि बिश्नोई ने ऋषभ पंत को 2 बार आउट किया हुआ है 47 बॉलों के अंदर, और कोई प्लेयर बैटल यहाँ नज़र नहीं आती है। बात करते हैं स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो स्मॉल लीग में केएल राहुल, मार्कस स्टॉइनिस, ऋषभ पंत, जेक फ्रेजर मैगर और अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्रैंड लीग में, तो वॉर्नर, अक्षर पटेल, डीकॉक और पंत, ये कुछ खिलाड़ी हैं जिन्हें आप ग्रैंड लीग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरी क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है, यानी कि फैंटेसी फॉर्च्यून प्रेडिक्शन की, तो हिट खिलाड़ी कौन हो सकता है, मुझे लगता है मार्कस स्टॉइनिस, ऋषभ पंत और जेक फ्रेजर मैगर की, ये 3 खिलाड़ी हैं जो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एवरेज परफॉर्मेंस की, शायद
अच्छा करें बट उतना अच्छा ना करें इस मैच में। तो यहाँ पर केएल राहुल, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, मुझे लगता है ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनकी रहेगी इस मैच में, स्टार्ट मिलेगा, कुछ पॉइंट्स आपको जरूर दे सकते हैं फैंटेसी में। ऐसे खिलाड़ी जो इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं वो हैं निकोलस पुरन और शाय होप। निकोलस पुरन को कुलदीप यादव तंग कर सकते हैं इस मुकाबले में, ऐसा मुझे लगता है। शाय होप का क्योंकि डाउन थोड़ा नीचे हो सकता है और बहुत अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है, तो शायद उतना अच्छा ना करें। टॉप ट्रम्प कार्ड पिक्स, ऐसे खिलाड़ी जिनको अगर आप ट्राई करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट ला के दे सकते हैं। सलाम अच्छा डेथ बॉलर है, लोअर ऑर्डर में आके रन भी करके दे सकता है। मुकेश कुमार, यहाँ पर डीकॉक, वार्नर और नवीन, ये कुछ खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत कम है। अगर आप किसी हाई सिलेक्टेड प्लेयर को की जगह इनको आप लेते हैं तो ये आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपके लिए कुछ ट्रम्प कार्ड पिक साबित हो सकते हैं। बात करते हैं विनर प्रेडिक्शन की। सो विनर प्रेडिक्शन में मुझे लगता है वैसे दोनों टीम्स स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा चांसेस मुझे कल के मैच में दिल्ली के नज़र आ रहे हैं, तो कल का मैच दिल्ली विन कर सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए अब क्रिएट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम। एक्शन में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, केएल राहुल है, निकोलस पुरन है, अभिषेक पोरल है, डीकॉक है, यहाँ पर चाय होप है, ऋषभ पंत है। मैंने यहाँ पर केएल राहुल को अपनी टीम में लिया है, डीकॉक को लिया है और ऋषभ पंत को लिया है। निकोलस पुरन को भी आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं, अभिषेक पोरल और चाय होप को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन से बात करें, डेविड वार्नर को लिया और जेक फ्रेजर मैगर को किया। अगर पहले बैटिंग आती है दिल्ली की तो यहाँ पर स्टब्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में चलें तो यहाँ पर अक्षर पटेल और मार्कस स्टोइनिस को मैंने अपनी टीम में लिया है। कृणाल पांडे को कंसिडर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बॉलिंग से बात करें तो यहाँ पर हमने बॉलिंग से अगर हम बात करें, सो बॉलिंग सेक्शन में हमने यहाँ पर कुलदीप यादव को अपनी टीम में लिया है, मुकेश को लिया है, नवीन को लिया है और फाइनल प्लेयर में आप यहाँ पर बिश्नोई या फिर सलाम को ले सकते हैं। मैंने सलाम को अपनी टीम में रखा है तो ये बन जाती है हमारी स्मॉल लीग की टीम। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। कैप्टन मैंने इस मैच में मार्कस स्टोइनिस को किया, वाइस कैप्टन मैंने ऋषभ पंत को किया है। आप चाहें तो केएल राहुल या फिर डीकॉक को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग टीम्स की। सो टीम वन हमारी ये बन जाती है, इसमें हमने डीकॉक को कैप्टन किया, वाइस कैप्टन हमने जेक फ्रेजर मैगर को किया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ चलें, सो यहाँ पर हमने डेविड वार्नर को कैप्टन किया, वाइस कैप्टन हमने मार्कस स्टोइनिस को किया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ चलें, सो केएल राहुल को कैप्टन किया है और वाइस कैप्टन हमने ऋषभ पंत को किया हुआ है इस कॉम्बिनेशन में। एक और जो कॉम्बिनेशन आपके लिए क्रिएट किया है उसमें हमने ऋषभ पंत को कैप्टन किया है और वाइस कैप्टन हमने मार्कस स्टोइनिस को किया हुआ है। इस कॉम्बिनेशन में हमने केएल यहाँ पर कृणाल पांड्या को भी रखा हुआ है। तो आप इसी तरीके से मल्टीपल टीम्स क्रिएट कर सकते हैं और किसी एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई है सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन की कौन होने वाली है। साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइज़।